हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल सर्वे एंड इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी और भी चाहिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर जरूर हमें बताएं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एक्सेल पे पेज लेआउट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ओपन करेंगे एक्सेल। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्सेल पे कुछ डेटा हमने पहले से ले रखी है, इसे हम पेज पे सेट करेंगे। और इस दौरान हम लेआउट पेज लेआउट टैब की पूरी जानकारी हम शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे पेज लेआउट है, पेज लेआउट टैब यहाँ पर मौजूद है। अगर आपके एक्सेल पे पेज लेआउट टैब नहीं है तो यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में आइए और यहाँ पे आप पॉपुलर कमांड्स पे ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पे ऑल टैब्स पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पेज लेआउट फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पेज लेआउट करके यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, फिर आपको शो करेगा। तो मेरे में ऑलरेडी पहले से है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं और आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब पेज लेआउट पे आइएगा तो सबसे पहले का जो सेक्शन मिलेगा वो आपको थीम का मिलेगा। इसका बेनिफिट्स दोस्तों, जैसे ये थीम पे अगर आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो ये इतने सारे थीम अवेलेबल हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हेडिंग का कलर चेंज हो गया, दूसरा कोई यूज करते हैं आप देख सकते हैं हेडिंग का कलर चेंज हो रहा है। वैसे ही यहाँ से और भी कलर आपको अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट थीम का फॉन्ट सेट कर सकते हैं और ये थीम का इफेक्ट है ये सेट कर सकते हैं। ये थीम सेक्शन की जानकारी खत्म होती है और अब आता है हमें पेज सेटअप का सेक्शन। इसमें आपको सबसे पहले पेज मार्जिन मिलेगा दोस्तों। ये आपका कस्टम स्केल सेटिंग है, ये सब ऑटो सेट किया हुआ मिलेगा। अगर आप कस्टम मार्जिन और कस्टम मार्जिन पे जब आइएगा तो ये आपका एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सारा सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 0.5 है, इसको आप 1 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग जो रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ से आप पेज प्रीव्यू देख सकते हैं, जस्ट ये आपका अभी का करेंट सेटअप ये दिख रहा है। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेज नंबर, जैसे कि आप देखते हैं 1 to 100 पेजेस हैं, या कौन सा पेज आपको प्रिंट लेना है वो फ्रॉम हेयर टू देयर, पेज नंबर 10 से 20 अगर चाहिए तो 10 से 20 डाल दीजिएगा तो सिर्फ वही आएगा। पेज ओरिएंटेशन यहां से आप दे दीजिएगा, पेज साइज यहां पे आपको मिलेगा और यहां पे मार्जिन मिलेगा जो आप पहले से ही सेट कर रखे हैं। यहां से स्केलिंग का मिलेगा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेम दोस्तों, यहां पे भी आपका ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेटेड और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो आपका सीधी पेज होती है और ये वाइड में निकलती है, तो दोनों हो गया। यहां से आपका पेज साइज मिलेगा दोस्तों, जो भी पेज साइज आप चूज करना चाहते हैं, लेटर है, लीगल है, या फिर A3, A4, और भी जो भी आपका प्रिंटर साइज कर रहता है उसका पेज साइज मिलेगा। ये प्रिंट एरिया है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे आप पार्टिकुलर इस लोकेशन का ही अगर आप पेज प्रिंट लेना चाहते हैं
तो ये प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा और सिर्फ इसी एरिए का ही प्रिंट हमें मिलेगा। अब देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, पहले हमारे पास 100 पेजेस थे, देख सकते हैं वो खत्म हो गया और अब ओनली फॉर वन पेज। तो ये प्रिंट एरिया का ये फंक्शन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। ये है पेज ब्रेक। इसमें जैसे ही हम यहां से पेज ब्रेक करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये पेज ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, ये देखिए पेज ब्रेक किया हुआ है, यहां से क्लियर कर देते हैं पेज ब्रेक, ये क्लियर हो गया और ये पेज ब्रेक हो गया। तो यहां से आप इसको ब्रेक को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि ये हमें चाहिए, ये हमारा पेज ब्रेक हो गया और अब इसको रिमूव करने के लिए हमें यहां से पेज रिमूव करना पड़ेगा। ये देखिए, ये फिर से ऑटो स्केलिंग हो गया। अब आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो भी हमारा प्रिंट में जो भी हम चाहते हैं, जो हमारा पीछे कुछ प्रिंट हो, एग्जांपल जैसे ये पेज जैसे वाटरमार्क हम लोग लगाते हैं, या फिर कुछ हम इसके पीछे टेक्स्ट डालना चाहते हैं, या पेज पे बैकग्राउंड में कुछ इमेज डालना चाहते हैं, तो वो यहाँ से डाल सकते हैं आप। जो भी जहाँ भी आप ये ब्राउज करके आप अपना फोटो लगा सकते हैं या जो भी करना है वो कर सकते हैं, या कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, जो भी है। उसके बाद आता है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल मीन्स दोस्तों ऐसा है कि जैसे कि अभी प्रीव्यू में चलते हैं हम लोग और ये देखिए इसमें क्या है, हर पेज पे आपको ये फर्स्ट पेज पे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिला, सेकंड पेज पे ये हेडिंग हमारा रह गया, ठीक है दोस्तों, थर्ड पेज पे भी मिलेगा, फोर्थ पेज पे भी मिलेगा। तो ये है प्रिंट टाइटल का काम। जैसे कि अगर हम ये हटा देते हैं यहाँ से, ओके करते हैं, उसके बाद अगर हम प्रिंट दिखाते हैं तो ये सेकंड पेज पे नहीं आएगा, ओके। अब ये एक्सेल है तो यहाँ पे हर फंक्शन मिलेगा, तो हम जितना चाहेंगे हेडर रखना, जैसे कि ये इतना हमें हर पेज पे चाहिए, ये पोजीशन मुझे हर पेज पे चाहिए, तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके और इंटर करके ओके कर देंगे और अब प्रीव्यू देख लेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये हर पेज पे हमें वो मिल जाएगा। और अगर हम ये टॉप व्यू है, अगर हमें साइड व्यू भी चाहिए, जैसे साइड व्यू में हम ये चैनेज को रखना चाहते हैं ना, साइड व्यू में इस चैनेज को हम रखना चाहते हैं, एक कॉलम को सिर्फ, ए ए, तो साइड व्यू में भी अब हमें वो दिखेगा हर हर पेज पे, हर पेज पे वो दिखेगा हमें। तो ये प्रिंट टाइटल का काम है, इसको साइड व्यू नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड और रॉ रिपीट नहीं करनी है हमें, इसको हटा देंगे। ये प्रिंट टाइटल हो गया दोस्तों। अब आता है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट का क्या काम है वो को हम बता देते हैं। जैसे कि आप देखिए दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं, जैसे देखिए ये हमारा, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये लोकेशन ही हमारा एक पेज पे आवे। जैसे फर्स्ट में हम पेज को पोर्ट्रेट कर लेते हैं
और अब हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक आवे, या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको यहां से खींच के इधर कर लेंगे, या फिर पेज ब्रेक कर देंगे, सॉरी प्रिंट एरिया कर देंगे क्लियर, ये पेज ब्रेक को कर देंगे रिमूव। और अब हम स्केलिंग को बढ़ा देंगे, स्केलिंग सिर्फ इतना ही आया एक पेज पे। और इसको अगर 100 कर देते हैं स्केलिंग तो ये आया, और अगर हमें और भी ज्यादा चाहिए तो इसको यहां खींच के ला देंगे, 61% हो गया स्केलिंग, ये मैनुअल हुआ। और भी चाहिए एक ही पेज पे तो ये आ जाएगा। बस दोस्तों, बस इसमें ध्यान रखना आप, फॉन्ट साइज वही रहेगा लेकिन ये स्केल छोटा होने के वजह से पूरे फॉन्ट को एक ही स्केल पे पूरा छोटा कर देगा, लेकिन विजिबल रहेगा, आप रीडेबल रहेगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है दोस्तों, ये स्केल का काम है। उसके बाद आता है सीट ऑप्शंस का। सीट ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये ग्रिड लाइन है, जैसे अगर न्यू टैब है, जैसे ये हमने न्यू ले लिया, और इसमें अगर जैसे देख सकते हैं कि ये इसे हम रॉ डाल देते हैं, और अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम। ये रॉ जितना हमने सेलेक्ट करके बॉर्डर डाले हैं सिर्फ वही दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एरिया का नहीं दिखा रहा है। तो यहां पर अगर इस पे हम प्रिंट पे टिक करते हैं तो वो पूरा दिखा रहा है, देख रहे हैं, देखिए दोस्तों ये पूरे डॉट्स आ गए जितने सिलेक्टेड है। और अगर व्यू पर से हटा देंगे तो ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ये देखिए। और व्यू पर से हटा के प्रिंट पे अगर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आएगा, व्यूज में से हट जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसको बॉर्डर को नन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। नो बॉर्डर, लेआउट टैब में आते हैं, इसको हम प्रीव्यू देखते हैं, नथिंग है कुछ भी। इसको व्यू में जाके ये देख लीजिए, ग्रिड लाइन व्यू करता है, वैसे ही हेडलाइन है ये ए बी सी डी, और इधर से अपना 1 2 3 4 इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं, इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे इसमें आप देख सकते हैं हेडलाइन हेडिंग नहीं आ रहा है हमारा। चलिए हेडिंग को प्रिंट करके देखते हैं, लेआउट में जाके हेडिंग को प्रिंट करते हैं, इसको हटा देते हैं ग्रिड लाइन को, और अब हम देखिए ये हेडिंग भी हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ये सीट सेक्शन का काम है दोस्तों, इसको ऑफ करते हैं। उसके बाद आता है अरेंजमेंट, अरेंज सेक्शन का काम। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे हम इमेज इंसर्ट करते हैं या फिर कोई टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, जैसे ये हमने एक वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर लिया और यहाँ रख दी, एक और इंसर्ट कर लिया वर्ड आर्ट को, ठीक है ये कर लिया। अभी आप देखना दोस्तों, ये रेड सॉरी येलो वाला
ब्लैक के ऊपर है, लेकिन अगर हम लेआउट टैब में जाके ब्रिंग टू बैकवर्ड कर देते हैं, सेंड टू बैकवर्ड, तो ब्लैक ऊपर आ गया और येलो नीचे चला गया। वहीं अगर ब्लैक को हम बैकवर्ड करते हैं, ये देखिए दोस्तों, मीन्स येलो सेलेक्ट है हमारा, येलो को हमने फॉरवर्ड कर दिया, ये फॉरवर्ड हो गया, येलो को हमने बैकवर्ड कर दिया तो ये बैकवर्ड हो गया। ये है दोस्तों सेक्शन पैनल, और इसको हम सबको अलाइन कर सकते हैं एक साथ पकड़ के। उसके लिए हमें ये कमांड यूज करनी है, इसको रोटेट करने के लिए हमें ये कमांड यूज करनी है, जैसे कि हम 90 डिग्री करनी है, जो भी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, इसके इससे हम दोनों को अलाइन कर सकते हैं, मीन्स शिफ्ट दबा के इसको भी क्लिक कर लेंगे या कंट्रोल दबा के दोनों को और अलाइन कर सकते हैं, एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही लाइन में आ गया। दोनों को ग्रुप कर सकते हैं, मीन्स अभी जैसे दो है, ग्रुप करेंगे तो एक आ जाएगा, बस सिंपली ये लॉक हो गया, इधर ही अलाइन भी हो गया और ग्रुप भी हो गया। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।